बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4th और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार एंड पार फैक्टर और उसके बाद पढ़ेंगे चोक कॉइल। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप प्रीवियस लेक्चर देखकर यहाँ पे आए हो, अल्टरनेटिंग करंट 03, जिसमें हमने आपको सीरीज LR सर्किट और सीरीज CR सर्किट को डील करना सिखाया। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक नया टॉपिक दे रहे हैं पार एंड पार फैक्टर, इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाएंगे चोक कॉइल। शुरू करें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, शुरू करें। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकालो कॉपी और पेन और हेडिंग लगाओ पार इन AC। पार इन AC कुछ डिफरेंट है क्या सर? पार इन AC, हाँ थोड़ा डिफरेंट है। देखो, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पार पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिकल पार पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल पार का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल पार P का फॉर्मूला था V into I। देखो वहां ये बात सही थी, क्योंकि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो हमारा वोल्टेज भी कांस्टेंट था और करंट भी कांस्टेंट था। वहां तो हम बैटरी वगैरह यूज करते थे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और कांस्टेंट करंट थे। अभी इस चैप्टर में आपको क्या दिख रहा है कि वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो हियर इन AC बोथ V एंड I वेरीज विथ टाइम, है ना। थोड़े नए तरह के हमको वोल्टेज और करंट मिले जो समय के साथ चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब पार भी समय के साथ चेंज होगी, ऐसे लिख लेते हैं। हेंस पार will also vary with time, ठीक है। यानी अब हम यहां पे पार नहीं, एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस पार बता रहे होंगे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। पार एट टाइम टी इज इक्वल टू वी एट टाइम टी इंटू आई एट टाइम टी, समझ लो। क्योंकि ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली पार भी टाइम के साथ चेंज होगी। ये कैसी पार मिल रही है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पार मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जो V का यहां पे इक्वेशन है वो है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इक्वेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन, क्या लिया जाए? आपको पता है ना, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकता है, हो सकता हो करंट इससे आगे हो सकता हो इससे पीछे हो, 90 डिग्री आगे हो 90 डिग्री पीछे हो, फाई आगे हो फाई पीछे हो। तो हम ले लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसी ले लिया। मान लिया करंट आगे है प्लस फाई से, क्या पता पीछे हो फाई की वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसी एक रैंडम मान लिया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? पार एट टाइम टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आपसे जिस भी टाइम पे पार पूछे, टाइम की वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको पार मिल जाएगी। समझ में आया? वहां बड़ा आसान था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां बैटरी का V दिया रहता था, सीधा I लगा दो, काम खत्म। यहां V भी चेंज हो रहा है, I भी चेंज हो रहा है, तो यहां जिस समय पे पार पूछे उस समय पे पार बता, नोट करें। पता है, पर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुई इंस्टेंटेनियस पार। इसके बाद हम लेके आए एवरेज पार और उसका इंपॉर्टेंस है, नोट कर लो, छाप लिया। तो हम किसकी बात करेंगे? एवरेज पार की बात करेंगे। बिठा रहे इसको, ओके। तो जब भी आपको AC चैप्टर में पार पार हम बोले तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज पार की बात कर रहे हैं, अपने आप समझ जाना। पार एवरेज इज इक्वल्स टू क्या करना है? जो इंस्टेंटेनियस पार थी उसका एवरेज निकाल लो। ऐसे बनाते हैं ना एवरेज का साइन, या ऐसे ही बनाते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। पार एट टाइम टी के ऊपर बार लगा दो, बार मतलब एवरेज, है ना। फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था एवरेज लेने का शॉर्टकट, यूज करने जा रहे हैं, देखना। पार एट टाइम टी की इक्वेशन क्या थी? V नॉट साइन ओमेगा टी V इनटू I, I क्या था?
आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई, इस पूरे का हमें एवरेज लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई नॉट के इधर लिख लिया पूरे के ऊपर, ये बार मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज निकालना हमको, ठीक है। और कितने देर के लिए एवरेज निकालना है, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी का हम एवरेज निकालेंगे। आओ, वी नॉट आई नॉट, अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस पाई को क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और ये साइन ओमेगा टी भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो जरा, देखो जरा क्या आएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाई, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई हुआ यानी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई और साइन ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, बोला यहां तक समझ में आया। फिर यहां पे इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया यानी एवरेज, अब मैंने सिखाया था ऐसे एवरेज लगाओ तो एक एक टर्म पे भी एवरेज डाल सकते हैं। जरा पहले इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ए कॉस ए, क्या इसको हम साइन टू ए लिख सकते हैं, देखो साइन ए कॉस ए यहां पे टू लगा दो तो क्या इसको हम साइन टू ए लिख सकते हैं, ऐसे टू साइन ए कॉस ए को साइन टू ए लिखा जा सकता है, टू साइन ए कॉस ए को साइन टू ए लिख सकते हैं भाई, तो देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, टू मिसिंग है इसमें तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है। अब टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन टू ओमेगा टी साइन फाई बटे दो, अब लगा दो ऊपर एवरेज, अब एवरेज जो लगा ये एक एक टर्म पे डालते जाओ, यानी इस पे डाल दो वी नॉट आई नॉट का एवरेज साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का एवरेज कॉस फाई का एवरेज प्लस साइन टू ओमेगा टी का एवरेज साइन फाई का एवरेज अपॉन टू, हो गया खत्म। अब वी नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, वी नॉट क्या है, वोल्टेज की पीक वैल्यू, आई नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है करंट की पीक वैल्यू, तो भाई कॉन्स्टेंट चीज का एवरेज तो वही आएगा, अरे वी नॉट वी नॉट वी नॉट चेंज ही नहीं हो रहा है, पीक वैल्यू ना वो तो हमेशा वही है, तो उसका एवरेज वही आएगा, ये भी कॉन्स्टेंट है, मतलब मान लो इसकी वैल्यू पांच है तो पांच 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 एवरेज भी पांच। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का एवरेज एक कंप्लीट साइकिल के लिए होता है 1/2, ये चीजें हमने आपको पहले लेक्चर बताई थी कि साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2 फॉर कंप्लीट साइकिल, तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस फाई का एवरेज बताओ, जीरो नहीं, फाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई, फाई टाइम के साथ कहां चेंज हो रहा, तो कॉस फाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, ये चीज समझो। देखो साइन ओमेगा टी ये चेंज हो सकता है टाइम के साथ, बट ये फाई चेंज नहीं होगा, कॉस फाई का जब एवरेज देखोगे तो वो कॉस फाई ही रहेगा क्योंकि वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये आएगा कॉस फाई। अगला टर्म आया साइन टू ओमेगा टी, अब साइन थीटा टाइप का है, टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है, इसका एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज कितना होता है, जीरो, कितना होता है जीरो, तुम्हें साइन टू ओमेगा टी दिया हो, कॉस टू ओमेगा टी दिया हो, साइन ओमेगा टी दिया हो, कॉस ओमेगा टी दिया हो, सबका एवरेज साइकिल का जीरो होता है, साइन टू ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी हो, कॉस ओमेगा टी हो, इन सब का एवरेज फॉर वन साइकिल जीरो, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो उनका एवरेज 1/2। बड़ा इंपॉर्टेंट था वरना इसको इंटीग्रेट करते करते दूसरा तरीका बता देते हैं, दूसरा तरीका है करने का, करो घर पे, पार एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी,
जीरो से लेके टी, जीरो से लेके टी, निकालो भाई, इससे भी आंसर सेम आना चाहिए। कब? बहुत लेंदी हो जाएगा। हमने बताया था ना, कोई चीज अगर टाइम पे डिप, सब पहले लेक्चर में बातें हुई थी, कोई चीज अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है उसका एवरेज चाहिए, तो क्या करो, ऊपर इंटीग्रल वो क्वांटिटी इंटू डी टी, नीचे इंटीग्रल डी टी, ऐसे भी आएगा सेम आंसर। पार्ट एक्सप्रेशन उठाओ, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई, यहां रखो डी टी के साथ, उसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, या तो ऐसे पकड़ लो, हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा, या तो ये चीज पकड़ लो। इसमें हमने क्या बोला कि पावर एट टाइम टी इज इक्वल टू पावर एट टाइम टी का बार लगा दिया, एवरेज होता है, हमने उठा के बार लगाया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट आई नॉट को बाहर किया, फिर इसको एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ रहा था, टू टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन गया, साइन टू ओमेगा टी बन गया। फिर हमने पूरे पे एवरेज लगाया, इसका एवरेज क्या आया, यही क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, चार 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 चार, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज होता है 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2, कॉस फाई का, क्यों कॉस फाई आया, क्योंकि ये फाई है, ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, पूरे समय सेम रहा, तो कॉस फाई का एवरेज कॉस फाई, साइन टू ओमेगा टी का एवरेज जीरो, साइन ओमेगा टी का जीरो, कॉस ओमेगा टी का जीरो, कॉस टू ओमेगा टी का जीरो, पर ये कॉस फाई है, समझ के बाद, तो ये चीज आई। So finally you are getting power is equals to V naught I naught into 1 by 2 into cos phi. Note करें एक बार। और जिनको करना है लंबे मेथड से वो घर पे बैठ के इसकी ट्राई करो। पार है बेचो। कोई भी क्वांटिटी जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, जैसे करंट आपको एवरेज चाहिए था, तो पहले लेक्चर में हमने एवरेज करंट भी ऐसे ही निकाला था, I dt upon integral dt। इस तरह से पावर भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, शॉर्टकट ये। हो गया, हाँ ऐसे बार लगा सकते हैं, बार को एक टर्म पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार साइन टू ओमेगा टी मतलब साइन थीटा का, एक साइकिल में साइन थीटा का इंटीग्रेशन जीरो, थोड़ी देर पॉजिटिव थोड़ी देर नेगेटिव, मिटा रहे इसको, यहां से आगे बढ़ाएंगे कहानी, मिटाते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, पार एवरेज, पार एवरेज कितना आ रहा है हमारे पास, पार एवरेज आ रही है हमारे पास वी नॉट आई नॉट इंटू वन बाई टू इंटू कॉस फाई, वी नॉट आई नॉट इंटू वन बाई टू इंटू कॉस फाई। अच्छा ये फाई क्या चीज थी, फाई था फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। अब देखो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाई, कोई दिक्कत, इस टू को मैं रूट टू करके लिख सकता हूं। अब देखो वी नॉट बाई रूट टू क्या वी आर एम एस बन जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस बन जाएगा, और कॉस फाई, ये होता है फॉर्मूला एवरेज पावर इन वन साइकिल इन एसी का, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। सिर्फ वी आई से काम नहीं बनता, एसी में एक टर्म नया आता है कॉस फाई, और ये कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर, यानी एसी की पार कितनी है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यानी एसी में पार फेस डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि करंट कितना आगे पीछे है वोल्टेज से या साथ में है। नोट करें इसको वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यूनिट वॉट ही आएगी पार की, डेफिनेटली एवरेज पार वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अगर कहीं पे मेंशन नहीं है कि कौन सी पार है तो एवरेज पार मान लेना, ठीक है, कहीं पे मेंशन नहीं है कौन सा वोल्टेज है कौन सा करंट है तो एवरेज नहीं आरएमएस मानना, ये चीज याद रखना, लिख लो यहां, इफ नॉट मेंशन देन अज्यूम एवरेज पार, पार के टर्म्स में
एंड इसी चीज में इफ नॉट मेंशन कि कौन सा करंट है कौन सा पोटेंशियल है देन अज्यूम आरएमएस वोल्टेज और करंट। जैसे मान लो कहीं पे बोल दिया कि सर्किट में इतना वोल्टेज है तो ना ही वो पीक वोल्टेज है ना ही वो एवरेज है, वो कौन सा है आरएमएस। करंट बता दिया और बताना भूल गए कौन सा करंट है तो आरएमएस, और पावर बता दिया बताना भूल गए तो एवरेज। पावर केस में एवरेज, करंट वोल्टेज केस में आरएमएस, याद रख लीजिए, नोट किया इतना। आइए पावर फैक्टर देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्किट का। अपन तो सर्किट पढ़ चुके हैं, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट। आइए देखते हैं पावर फैक्टर। तो एवरेज पावर मिली है भैया वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। यहां पे डिफरेंट सर्किट्स ले लेते हैं, यहां पे हम फाई की वैल्यू देख लेते हैं और यहां पे पावर फैक्टर। तो जैसे हम सबसे पहले सर्किट उठा लेते हैं प्योर रेजिस्टर का, ये रहा। तो आपको पता है रेजिस्टर में जिधर V होता है उधर ही I होता है, दोनों का फेस क्या होता है सेम होता है, तो इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना होता है जीरो डिग्री होता है। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हो जाएगा वन और एवरेज पावर हो जाएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अच्छा प्योर इंडक्टिव की बात करते हैं। प्योर इंडक्टिव में याद है क्या होता है, करंट इसमें लैग करता है पोटेंशियल लीड करता है। करंट कितना लैग करता है 90 डिग्री। तो वी और आई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना जीरो। यानी ऐसे सर्किट में एवरेज पावर कितनी आएगी जीरो। इसका मतलब कोई पावर यूज नहीं हो रही, एवरेज है, आधे साइकिल में हुई आधे साइकिल में वापस आ गई। नेक्स्ट प्योर कैपेसिटिव सर्किट सी, इसमें क्या होता है, इसमें करंट लीड करता है पोटेंशियल से, कितने एंगल से 90 डिग्री। करंट लीड्स पोटेंशियल बाय पाई बाय टू, यानी यहां पे भी फेज डिफरेंस 90 cos 90 0 और यहां पे भी एवरेज पावर 0। नोट करें, नोट करें। और क्या था हमारे पास, और हाइब्रिड सर्किट है मतलब मिले हुए सर्किट है, है ना, एक अपना LR है एक अपना CR है और एक LCR है जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे उसको भी। चलिए LR और CR को देखते हैं। फोर्थ LR यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर R और L। अब इसका आपको याद है फेजर डायग्राम कैसे बनता था, इसमें क्या होता था कि इस तरफ को अपना जाता था मान लेते हैं करंट, मान लेते हैं इस तरफ को जा रहा करंट, तो बच्चों V नॉट R तो इधर ही चलेगा और इंडक्टर का भी करंट से आगे होगा क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो इस तरफ बनेगा बोलो V नॉट L और ये निकलेगा नेट V नॉट, इनका फेजर सम। याद आया, करंट जिधर है रेजिस्टेंस में पोटेंशियल उधर ही होगा सेम फेज में। इंडक्टर की बात करें तो करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। ओवरऑल नेट पोटेंशियल ये आया इससे कितना ऊपर फाई, ओवरऑल करंट पोटेंशियल से लैग ही करता है फाई से, लैग तो करेगा ही इंडक्टिव सर्किट में। फेज डिफरेंस कितना है फाई है, तो इस बार फाई ही लिख लें। अब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो वी नॉट आर की जगह हम आई नॉट आर लिखते थे यहां पे आर, और यहां ऊपर की तरफ क्या बनाते थे एक्सएल, और ये क्या बनता था इंपीडेंस जेड। इसीलिए कह रहे हैं प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, ये वी नॉट आर आई नॉट आर
V not L, I not XL, I not कर दिया, net potential, net impedance. अब ये एंगल है हमारा phi, हमारा phi. अब इस XL को आप उठा के यहाँ रख सकते हो, देखो जगह ये, इस XL को उठा के यहाँ रख दो. अब यहाँ देखो power factor की value आपको दिखने लगेगी, XL को उठा के यहाँ पे put करो. अब आपको पावर फैक्टर दिखने लगेगा कि पावर फैक्टर कॉस फाई कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाई जेड और यही पावर फैक्टर का फॉर्मूला वर्क करेगा ऑलवेज. प्रीवियस तीन केस में भी वर्क कर रहा था, वहां भी वर्क कर रहा था. जरा सोचो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उस पूरे सर्किट का इंपेडेंस कितना होगा. इंपेडेंस होता क्या है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई. जेड क्या होता है, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर पर प्लस आर स्क्वायर. मान लो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो उसमें एक्सएल कितना हो गया, जीरो. तो जेड भी किसके बराबर आया, आर के. तो उसका कॉस फाई कितना होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, ऊपर आर और जेड की वैल्यू भी आ रही आएगी क्योंकि एक्सएल जीरो हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव में, तो आर बाई आर वन. देखो वन लिखा था आपने वहां पे, ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा. प्योर इंडक्टिव सर्किट उठा लो, प्योर इंडक्टिव में आर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. तो कॉस पाई जीरो, पावर फैक्टर जीरो. प्योर कैपेसिटिव उठा लो, प्योर कैपेसिटिव में आर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. प्योर कैपेसिटिव में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ये जीरो, कॉस पाई जीरो. तो ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा. फिर से बोलता हूं, प्योर रेजिस्टिव उठा लो, सिर्फ रेजिस्टेंस, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, ये खत्म हो गया, Z की वैल्यू भी R, ये भी R कैंसिल, पावर फैक्टर में. प्योर इंडक्टिव R जीरो, प्योर कैपेसिटिव R जीरो, पावर फैक्टर जीरो. जैसे हम ले लें RC सर्किट, RC सर्किट कैसे बनता था याद है. मान लेते हैं कि करंट इस तरफ, जिस तरफ करंट उधर, V नॉट R. अब V नॉट C किधर जाएगा, ऊपर की नीचे. कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट, यानी करंट आगे होगा, पोटेंशियल पीछे है, ये हो गया वी नॉट सी, ये निकला नेट पोटेंशियल वी नॉट, फेज डिफरेंस कितना फाई का. फेज डिफरेंस कितना फाई का, तो यहां पे लिख लो फाई. अब इस फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी नॉट आर की तरफ क्या बना दो, आर. V not C की तरफ क्या बना दो, XC. और यहां क्या बन जाएगा, Z. ये एंगल कितना phi. फिर से देखो cos phi क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अरे इसको यहां कॉपी कर दो XC को, बोलो याद आ रहा है ये सब. देखो XL ऊपर बनता है, XC नीचे बनता है, काम खत्म. और इसका रिजल्टेंट Z. अब यहां से देखो इस ट्रायंगल के लिए cos phi की वैल्यू कितनी आएगी, R by Z. ये हमेशा वर्क करता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला, याद कर लो, पावर फैक्टर कॉस फाई इज एक्चुअली आर बाई जेड. ये है पावर फैक्टर, क्या, आर बाई जेड, ऑलवेज ऑलवेज. प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आर एल आर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, हमेशा काम आएगा. क्लियर है, प्योर रेजिस्टिव में भी ये काम कर रहा है फॉर्मूला. प्योर रेजिस्टिव में ये जीरो, एक्सएल है नहीं, है ना. यहां पे जेड की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी, यहां जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सब पढ़ा चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, जेड की वैल्यू अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस. अच्छा, प्योर रेजिस्टिव में एक्सी भी जीरो, एक्सएल भी जीरो, कहीं से भी देखो, यहां से देख लो, यहां से प्योर रेजिस्टिव में ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी जेड की वैल्यू आ रही आनी है. तो आर बाई आर वन, पावर फैक्टर वन. प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव में आर होता ही नहीं, तो आर जीरो हो गया, पावर फैक्टर जीरो. नोट कर ले, पावर फैक्टर इज आर बाई जेड ऑलवेज. पावर फैक्टर में जो फाई है ये क्या होता है, ये फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई. ध्यान से देख लो, अभी भी फाइव फेज डिफरेंस है नेट वी और आई के बीच में, फाइव फेज डिफरेंस है नेट वी और आई के बीच में. मिटा ले, ओके.
तो ये कहानी थी पार फैक्टर की, और आपसे जब भी कोई एसी में पार निकालने को बोले तो क्या निकाल के आना, एवरेज पार निकाल के आना, ठीक है। एवरेज पार कितनी है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की जगह आर बाई जेड, ऑलवेज टू आर बाई जेड। या मान लो वी आर एम एस के टर्म में ही लिखना हो तो एक बात बताओ, क्या आई नॉट वी नॉट बाई जेड होता है? दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर दो, आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू इंटू जेड, ये तो पता होगा ना सबको, आई नॉट इज वी नॉट बाई जेड, पीक करेंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड किया, ये क्या बन गया आई आर एम एस, और वी नॉट बाई रूट टू क्या बन गया वी आर एम एस बाई जेड। अब आपको वी आर एम एस के टर्म में ही लिखना है तो आई आर एम एस की जगह आप वी आर एम एस बाई जेड डाल दो, वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा और नीचे जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सही है। बोला आया नहीं आया, मैंने कहा वी आर एम एस के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है पूरा, बता दे रहे हैं। तो आई आर एम एस को लिख सकते हो वी आर एम एस बाई जेड, तो वी आर एम एस बाई जेड वी आर एम एस वी आर एम एस हो जाएगा, तो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। या आप कह रहे हो आई आर एम एस के टर्म्स में लिखना है तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, तो कितना बन जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये बन जाएगा वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू जेड करोगे तो जेड जेड कैंसिल, आई आर एम एस इंटू जेड करोगे जेड जेड कैंसिल आई स्क्वायर आर एम एस, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे, ये सबसे पॉपुलर इसका ये। अच्छा एक चीज कभी कभी और पूछ लेता है, एपरेंट पार, एपरेंट पार, तो एपरेंट पार अगर पूछ ले तो वी आर एम एस आई आर एम एस, बस बस ये निकाल के छोड़ाना, एपरेंट पार पूछ ले तो वी आर एम एस आई आर एम एस, इसमें पार फैक्टर को मल्टीप्लाई मत करना, नोट कर लो। इंस्टेंटेनियस पार पूछे तब तो वी और आई उठा लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे पूछा है वो टाइम रख के निकाल, 90% केस में यही पूछा जाता है, 95% केस में, नोट कर लिया। ये सब मैंने बताने को बताया, कोई यूज नहीं, आपको याद ही रखना चाहिए, बाकी सब ये सब तो कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है, मिटा रहे हैं? ओके, तो ये था पार का पूरा कहानी। एक छोटा सा टॉपिक हमें और आज देखना है जो कि है चोक कॉइल, थोड़ा सा पार से उसका रिलेशन भी है, पार फैक्टर से इसी के साथ में पढ़ रहे हैं चोक कॉइल। अब चोक कॉइल क्या होता है, देखो भारत में मैक्सिमम जगह पे घरों में जो पोटेंशियल आ रहा है वो 220 वोल्ट है, एट मोस्ट प्लेसेस, एट मोस्ट थोड़ा देख लो, एट मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया हाउस होल्ड वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट, ठीक है, ज्यादातर जगहों पे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घर में कुछ डिवाइसेस हैं जो इतना हैवी पोटेंशियल बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास ट्यूबलाइट होती है ना, सम डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट्स, ठीक है, या इसको मरकरी ट्यूब्स भी कहा जाता है, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट स्टैंड सच हाई वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज 220 वोल्ट वाला ये स्टैंड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसी डिवाइसेस के साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि इन पे 220 वोल्ट पहुंचे ही ना, फट जाएगी ट्यूबलाइट अगर उसको 220 वोल्ट दे दोगे तो फट जाएगी, उसको इतना चाहिए ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, उस ट्यूबलाइट से कोई ऐसी चीज जोड़ दें जो वहां तक 220 वोल्ट पहुंचने ना दे। क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक रेजिस्टेंस लगा दें
टू रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब वी कैन कनेक्ट अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लगा दो वोल्टेज खा जाएगा, बड़ा आसान है। जैसे ये हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये क्या करेगा वोल्टेज खा जाएगा, है कि नहीं, कुछ वोल्टेज इसमें चला जाएगा, करंट को कम कर देगा, जो काम चाहिए वो हो जाएगा। बट रेजिस्टेंस विल वेस्ट टू मच पावर। देखो आसान सलूशन था, मान लो हमारे पास कोई एक डिवाइस है उसमें 220 वोल्ट आ रहा है, हमने कहा नहीं यार बहुत ज्यादा है, इसको इतना नीचे खराब हो जाएगी, तो हमने कहा ठीक है एक हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में इसके साथ एक हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, वो 220 वोल्ट में से कुछ वो खा जाएगा, बचा हुआ इसको देगा। तो देखो ये चीज अच्छी तो लग रही थी, बट इससे एक प्रॉब्लम स्टार्ट भी, क्या रेजिस्टेंस विल वेस्ट टू मच पावर। भाई अगर याद करो कि रेजिस्टेंस के केस में पावर की वैल्यू क्या हो रही थी, वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस वाई तो वन आ रहा था, भाई आर बाई जेड करोगे जेड की वैल्यू आर के बराबर आ रही थी, कॉस वाई कितना आ रहा था वन आ रहा था, इतनी पावर ये वेस्ट कर देगा, एनर्जी बर्बाद कर देगा। सर होने दो बर्बाद, अपना क्या जाता है नहीं ये गलत बात है ना, उस एनर्जी को आप बर्बाद क्यों कर रहे हो, आप उस एनर्जी को सेव करो फ्यूचर यूज के लिए, कुछ ऐसा करो कि पोटेंशियल भी कम हो जाए इससे, कुछ ऐसा करो कि वोल्टेज भी कम हो जाए और पार भी वेस्ट ना हो। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज क्या चीज, चोक कॉइल। अब आ गए हीरो कहानी के, देखो बात समझे, जरूरत नहीं थी चोक कॉइल लाने की, काम रेजिस्टेंस भी कर सकता था। प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्यूबलाइट वगैरह है 220 वोल्ट नहीं ले सकते, 220 वोल्ट नहीं ले सकते, तो हमने कहा एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। क्या लगा देते हैं, एक हैवी रेजिस्टेंस, 220 वोल्ट में से ज्यादातर पोटेंशियल यही खा जाएगा वोल्टेज, इसको कम वोल्टेज देगा। प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो रेजिस्टेंस लगाया है ये एनर्जी भी तो वेस्ट कर रहा है, वेस्ट टू मच पावर। भाई रेजिस्टेंस तो बहुत पावर लेता है, वी आर एम एस आई आर एम एस, इसका पावर फैक्टर कितना होता है रेजिस्टेंस का, प्योर रेजिस्टेंस का, प्योर रेजिस्टेंस लगाओगे पावर फैक्टर वन। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे चोक कॉइल। क्या यूज करेंगे, चोक कॉइल, नोट करें इतना पहले, प्योर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, प्योर रेजिस्टेंस से वोल्टेज तो घट जाएगा बट ये खुद एनर्जी भी वेस्ट कर देगा, एनर्जी भी तो बचानी है। प्योर रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या है, प्योर रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है पावर फैक्टर का, कि प्योर रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर कॉस फाई कितना आता है वन, इसमें पोटेंशियल और करंट किसमें होते हैं सेम फेज में, फाई जीरो कॉस जीरो वन, पावर वेस्ट हो रही है। तो अब हम डेवलप करेंगे चोक कॉइल, नोट कर लें, मिटा रहे इसको, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, मिटा रहे आओ। तो अब हम यूज करेंगे चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होता है, अब नोट करो यहां से, इसके पहले तो कहानी बता रहे थे। चोक कॉइल होता है सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट। अब हम क्या करेंगे कि ये ट्यूब लिया हमने और इस ट्यूब को सीरीज में एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। वैसे सिर्फ इंडक्टर से ही करोगे अपने आप रेजिस्टर आ जाएगा, अरे इंडक्टर मतलब क्या, कॉइल को ऐसे गोल गोल घुमाओगे, कॉइल किससे बना है, वायर से, उसके पास रेजिस्टेंस खुद ही होगा, समझ गए बात, प्योर इंडक्टर मिलेगा कहाँ, अरे जो इंडक्टर का ऐसे ऐसे जो घुमाते हो कॉइल, उस तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, तो बस वही लगाया जाता है, ऐसे नहीं कि अलग से सही में कोई रेजिस्टेंस लगा, हमें रेजिस्टेंस वैसे भी छोटे से छोटा चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस पावर वेस्ट कर रहा है। तो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही होता है,
बट उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसी को हम आर ले लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता प्योर इंडक्टर मिले, आप तार को इसे गोल गोल घुमाओगे उस तार का रेजिस्टेंस होगा भैया। अच्छा अब हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि ये पोटेंशियल खा जाए। भाई ये पोटेंशियल तभी खाएगा जब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या ये कह लें कि ओवरऑल इंपेडेंस ज्यादा होगा। चोक कॉइल, ये चोक कॉइल है, चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब ओनली इफ इट्स जेड इज हाई, उसका जेड यानी इंपेडेंस ज्यादा। बच्चों जेड की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या लग जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इंडक्टर केस में ही लगता है। अच्छा जेड तो हाई करना है पर आर को लो भी रखना है। आर क्यों लो रख रहे हैं भाई, रेजिस्टेंस ज्यादा लोगे तो ये पावर वेस्ट करने लगेगा। एट द सेम टाइम आर शुड बी स्मॉल, अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, एक्सएल के ऊपर, जेड को बड़ा करना है, आर को छोटा भी रखना है, यानी सारी जिम्मेदारी एक्सएल के ऊपर, यानी ये एल बहुत बड़ा हो तभी काम बनेगा। अरे एक्सएल क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्सएल होता है ओमेगा एल, यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको बड़ा भी करना है और इसको बड़ा भी नहीं होना, यानी सारी जिम्मेदारी एल के ऊपर ही तो है ना, तो यही तो बोला है कि इंडक्टर ही होता है, असल में चोक कॉइल इंडक्टर ही होता है, साथ में उसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है बस उससे काम बन जाता है, है ना। फिर से सुनो, चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज, चोक कॉइल का काम क्या है, इसमें वोल्टेज रिड्यूस करना और साथ साथ पावर वेस्ट ना करना। तो चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब Only if its Z is high, भाई इसका overall impedance ज़्यादा होगा तो ये voltage खा जाएगा, तो ये voltage खा जाएगा, voltage खा जाएगा तो इसमें voltage कम होगा, पर ये power waste ना करे, power waste ना के लिए हम निकला, इसलिए at the same time R should be small। दो काम है इसके, सिर्फ इसमें voltage कम नहीं करना, power waste भी नहीं करना, वरना हम pure resistance लगा देते। At the same time R should be small। अच्छा, यानी सारी responsibility किस पे है, XL पे। Hence, XL is large and R is small। ये है चोक कॉइल का बनाने का तरीका। अब जरा देखो कैसे पार ये खराब नहीं करेगा। R छोटा करने से सर क्या XL बढ़ाने से काम बन जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि प्योर इंडक्टिव में पार फैक्टर जीरो आ रहा था। जरा देखते हो, छोड़ो और पार फैक्टर निकालते हैं इसका। अगर इस सर्किट को हम बनाना चाहें तो R को हमेशा ऐसे बनाते हैं और XL को ऊपर और XC को नीचे, या तो XC कोई है नहीं, ये बनेगा Z, ये बना Phi, यहां से पावर फैक्टर मुझे बताओ। भाई जितना इंडक्टर की तरफ जाओगे पावर फैक्टर उतना जीरो की तरफ जाएगा ना। और देखते हैं पावर फैक्टर, cos Phi की वैल्यू बोलो यहां से R बटे Z, Z की वैल्यू देखो R बटे अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊपर नीचे आर से डिवाइड कर दो, सो कॉस फाई इज इक्वल्स टू, आर से डिवाइड हुआ वन, नीचे आर से डिवाइड होगा, अंदर जाके आर स्क्वायर बन जाएगा, वो एक्सएल बाई आर का स्क्वायर प्लस वन। बोलो समझ में आया? अरे इसी आर को उठा के नीचे ले आओ यार, इसी को ला के नीचे डिवाइड कर दो, अंदर डाल दो, अंदर डालोगे स्क्वायर हो जाएगा, ये बना। अब देखो R छोटा है और XL बड़ा है, ये बहुत छोटा ये बहुत बड़ा, ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ, 1 बाय इनफाइनाइट जीरो की तरफ, यानी cos phi टेंड्स टू जीरो, एक्चुअली जीरो नहीं होता, कोई स्मॉल क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल, जीरो नहीं हो सकता एक्चुअल में, छोटी सी क्वांटिटी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता एनर्जी वेस्ट ना हो,
इस तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, जिस तार का आपने अगर प्योर इंडक्टर मिल जाए क्या बात है, प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर जीरो, तो वहां तो पावर वेस्ट ही ना होगी, पर हमको पता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं हो सकता, जब तक जीरो नहीं तब तक ये इनफाइनाइट नहीं, जब तक इनफाइनाइट नहीं तब तक ये जीरो नहीं, बट वेरी वेरी स्मॉल। अब पावर फैक्टर छोटा हो गया तो ओवरऑल पावर लॉस भी कम हो गया, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई आ रहा था, कॉस फाई छोटा, तो ये काम होता है चोक कॉइल का। क्या दो काम है ध्यान से, चोक कॉइल रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब, और दूसरा काम एट द सेम टाइम आर शुड बी स्मॉल जिससे कि पावर लॉस ना हो, वरना प्योर रेजिस्टेंस लगा देते। What is choke coil? It is actually a pure inductor जिसका थोड़ा सा resistance हो। आप एच सी वर्मा पढ़ोगे तो वो तो बता ही नहीं रहा कि उसमें resistance है। एच सी वर्मा पढ़ोगे वो बोल ही नहीं रहा resistance है। वो कह रहा है pure inductor। But actual बात क्या है कि उस inductor का ही खुद कुछ resistance है। हाँ, इसका L बड़ा होगा। भाई बड़ा नहीं होगा तो ये potential कैसे इसमें से ये खींचेगा? अरे भाई ये potential कितना लेगा? V naught is equals to I naught Z। ऐसी तो लिखते हैं, इतना पोटेंशियल ये पीक वैल्यू ले गया, कब ले जाएगा? जब इसका जेड हाई, जेड क्यों हाई चाहिए? ताकि ये पोटेंशियल रिड्यूस कर सके, और आर क्यों लो चाहिए? ताकि इसका पावर फैक्टर जीरो के पास जा सके। पावर फैक्टर समझ में आया? आर एक्सएल जेड कॉस फाई आर फाई जेड, पक्का? चलिए कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कितना समझ में आया भाई, क्योंकि रात के समय में वीडियो बनाया गया है, ठीक है, तो सबका थोड़ी बहुत गलतियां हो गई। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।